बनारस के इंजीनियर को आप रेलिए। बनारस के इंजीनियर को रेलने की क्या जरूरत है, बनारस के तो मोदी जी हैं। तो देखिए, जहाँ का मोदी जी को भी रेलिए, अगर उनका काम गलत है तो उनको भी रेलिए। आपका काम है रेलना। जी सर। क्या नाम है बाबू आपका? दीपक। कितना साल उम्र है? 18 साल। 18-19 के बीच में कंफ्यूजन है आपके अंदर। अच्छा, कहाँ पे हैं अभी आप? रेमा मोड़ पेट्रोल पंप पे। काहे लग पेट्रोल पंप पे आए हैं? तेल भरवाने। पेट्रोल या डीजल? पेट्रोल। तब वोट किसको देने वाले हैं? मोदी को कि योगी को? योगी को। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? धनई। धनई जी, कहाँ आए हैं अभी आप? पेट्रोल पंप पे। काहे लग पेट्रोल पंप पे आए हैं? तेल भराएंगे, चलेंगे। और वोट किसको दीजिएगा? योगी जी को वोट दीजिएगा। बिना तेल भरवाए वोट नहीं दीजिएगा? ऐसा हूँ दे दीजिएगा, लेकिन तेल भरवाना कंपलसरी है। नहीं भाई, पार्टी का थुआ है कि भरवा लो। हाँ, तो हम लोग भरवा के जा रहे हैं। चलिए, एक और ही भाई साहब आए हैं, बड़का चुकुन डंडा लिए हैं। महाराणा प्रताप सिंह, यू आर माइनिंग इट फाइल। महाराणा प्रताप सिंह। ऐसे ऐसे लोग मिलते रहते हैं और हर जगह मिलते रहते हैं, वो हमें सामना करना पड़ता है। चलिए ठीक है। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश केसरी। अच्छा, अभी कौन से पेट्रोल पंप पे खड़े हैं आप? पेट्रोल पंप पर भारत पर खड़े हैं, भारत पेट्रोलियम। चलिए, एक युवा हैं, क्या नाम हुआ आपका? नाम अंकित पांडे। अच्छा पांडे जी, कौन से पेट्रोल पंप पे खड़े हैं? भारत में, भारत पेट्रोलियम। चलिए, ये देश का तीसरा सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग PUC कंपनी है, पूरे देश का, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली कंपनी तीसरे नंबर पे भारत पेट्रोलियम है। और यहाँ पे जो है BJP के सभी समर्थक लोग झूम रहे हैं। कौन आ रहा है? मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ चुके हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? दीपक कुमार। कितना साल उम्र है आपका? 17 साल। अरे 17 साल के उम्र में यहाँ पे खतरा क्यों बढ़ा रहे हैं? 18 साल के उम्र में तो 18 साल के उम्र में वोट दिया जाता है। हाँ, तो हमारा वोट नहीं, तब भी हम BJP को ही जिताएंगे। तब भी BJP को जिताएंगे। इनका वोट नहीं है तो भी। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे प्रणाम उड़ाम नहीं, रैली में। किसके रैली में? BJP। अच्छा नहीं, पहले इंजीनियर से मेरा कहना है, रेल दिए जाओगे? अबे ले फोटो रे भैया। चलिए, अभी कहाँ आए हैं आप? बस यहीं पे सर। अच्छा, अभी जा कहाँ रहे हैं आप लोग? हम लोग जा रहे हैं चंदौली। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। हर एक पार्टियां जो है कहीं नहीं तो कहीं गाड़ी में तेल भरवाती है, ये बात सही है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे इसलिए रुका क्योंकि ये भारत पेट्रोलियम है और भारत पेट्रोलियम बिकने वाला है, तो उम्मीद है कि ये सभी लोग जो है ना मिलके इसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे और भारत पेट्रोलियम को नहीं बिकने देंगे। सही है कि नहीं है? सही है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप लोग किसके रैली में जा रहे हैं? मोदी के रैली। वहाँ पे कौन कौन आ रहा है? मोदी आ रहे हैं। कौन किसके रैली में? बुलडोजर बाबा की। अच्छा, बुलडोजर बाबा कौन है? योगी बाबा। अच्छा, योगी जी का नाम बुलडोजर बाबा क्यों हो गया? क्योंकि वो गुंडों को रेलवा देते हैं, नचिएंगे नचीने देंगे। योगी जी गुंडों को रेलते हैं और मैं भ्रष्ट इंजीनियरों को रेलता हूँ। उनके पास बुलडोजर है और हमारे पास बुलडोजर नहीं है। यहाँ पे मंडल महामंत्री जी दिखे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार मौर्य। अच्छा, आपके गाड़ी पर लिखा हुआ है मंडल मंत्री। कौन से मंडल के मंत्री हैं? नियमताबाद दक्षिणी। थोड़ा जोर से बोलिए, नियमताबाद दक्षिणी। ठीक है, हर हर महादेव के नारों के बीच में मोदी जी का नारा लग रहा है और योगी जी का नारा लग रहा है और लगातार जो है रमेश जायसवाल जी का स्टिकर है और तेल वो भरवाया जा रहा है। सही है कि नहीं है? सही है। तो तेल भरवा के कहाँ जाइएगा? वही चंदौली जाना है। चंदौली कहाँ, रैली में? यस सर। अब बिना तेल भरवाए नहीं जा सकते? कहाँ नहीं जा सकते। तो चलिए निकलिए यहाँ से बिना तेल भरवाए। चलिए ये देखिए, चलिए ठीक है। क्या क्या बोल, आप लोगों के अंदर जज्बा है, लेकिन एक सवाल का जवाब आप लोग दीजिए। मैं
जहां भी जाता हूं देश के लिए एक सवाल जरूर करता हूं। अभी आप लोग भारत पेट्रोलियम पे खड़े हैं और 500 से ऊपर मोटरसाइकिल है यहां पे। क्या आप लोगों को पता है कि अप्रैल के बाद ये भारत पेट्रोलियम बिकने वाली है? नहीं। तो नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ये बिकने वाली है और इसे बिकने नहीं देना है किसी भी हाल में। सही है कि नहीं है? सही है। कुछ नहीं बता। जय श्री राम। जय श्री राम। कहीं ला रहा है जय श्री राम। अच्छा, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ये, मिल गए हैं, राम के बहुत बड़े भक्त हैं। गुटखा काहे खाए हैं? गुटखा खाने का तो शौक है। जो राम को लाते हैं ना, सुनिए, जो राम को लाते हैं ना वो गुटखा नहीं खाते हैं। नहीं खाते हैं? आपको नहीं पता है कि गुटखा कैसे बनता है? जो चमड़ा होता है ना उसमें जो सुपारी का इस्तेमाल होता है, ज्यादातर गुटखा उसी से बनता है। तो मत खाया कीजिए। पूरे खाद में भी गंदगी आ रही है, मत खाया कीजिए। और चलिए ठीक, जिंदाबाद बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। एक और युवा मिल गए हैं हमको सतरंगी चश्मा के साथ। अच्छा ये बताइए, चश्मा लगाए हैं हम, दिख रहे हैं आपको? बुलडोजर बाबा जी। चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? ऋतिक सिंह। कहाँ जा रहे हैं? मणिपुर। रैली में नहीं जा रहे हैं? नहीं, रैली में है। रैली में जा रहे हैं? चलिए, रैली में क्यों जा रहे हैं? मोदी जी के देखने। मोदी जी को देखने की वोट देने? वोट देंगे। वोट आज थोड़ी है। अरे तो आएगा तब देंगे ना। आज तो देखने जा रहा है ना। चलिए ठीक है, आज मोदी जी को देखने। ये सभी बुलडोजर बाबा के फैन हैं, ये सभी योगी मोदी जी के फैन हैं। कुछ यहाँ पे चाचा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चाचा क्या नाम हुआ? कल्पू। कितना उम्र हो गया है चाचा? 80-85 के लगभग में। 80-85 के लगभग में। आधार कार्ड नहीं बनवाए हैं? क्यों, काहे ना बनवाए। बना है तो उसमें तो उम्र फिक्स बताया होगा। चलिए ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? यार मोदी में, जोगी मोदी में। जोगी मोदी में। अच्छा, मोदी जी को देखने जा रहे हैं, तो देख के क्या क्या मिलने वाला है आपको? अरे मिली जब मिलवा कर, भगवान हम देवे करिया। भगवान देवे करिहन। भगवान पे भरोसा है? भगवान। नेताजी लोगों पे? लिखा है सबके पढ़ाओ। सब पे भरोसा है चाचा को, यानी चाचा इस देश के एक आम आदमी है और आम आदमी का भरोसा जो है वो नहीं टूटना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? शुभम शर्मा। अच्छा, क्या करते हैं? पढ़ते हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 10। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे रैली में। मोदी एग्जाम कब है आपका? अब एग्जाम हमको नहीं मालूम। अभी एग्जाम में नहीं मालूम है? ये हमार भैयाबा जो है ना 10वां क्लास में पढ़ता है और इसको एग्जाम में नहीं मालूम है कब है और रैली में जा रहा है। योगी मोदी जीत जाए वही हमारा इम्तिहान चालू हो जाए। जैया योगी मोदी जी जीत जाएंगे वही इनका इम्तिहान चालू हो जाएगा ये बचवा का। चलिए ठीक है, और किसी से बातचीत करेंगे? चलिए ये इनको पकड़ेंगे हम। चलिए ठीक, क्या नाम हुआ आपका? नरवन चौहान। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं अभी आप? जा रहे हैं भाजपा की रैली में, जो निकला है रैली में जा रहे हैं। चलिए ठीक है, क्यों जा रहे हैं भाजपा की रैली में? ऐसे बस मोदी जी को देखने। क्या लगता है इस बार कौन जीतने वाला है उत्तर प्रदेश? अरे उत्तर प्रदेश में मोदी योगी जीतेंगे, और कौन जीतेगा? योगी जीत है। और अखिलेश यादव का लहर नहीं है? हमको तो नहीं समझ में आ रहा। प्रियंका गांधी का? अरे उनको भी नहीं, सिवा हमको इनके। मायावती जी का? नहीं नहीं, सिवा इनके कोई नहीं दिखता है इनको। चलिए एगो चश्मा वाले भाई साहब मिल गए हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है संजय। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? भाजपा के रैली में। भाजपा के रैली में, तब वहाँ पे जाके क्या कीजिएगा? मोदी जी आए हैं मिलने जा रहे हैं। मोदी जी आए हैं मिलने जा रहे हैं। दातवा का है इतना कलरफुल कर लिए? होली खेले हैं क्या? गुटखा ज्यादा खाता जी। मत खाया कीजिए लोग, आप लोग देश के युवा हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे प्रयास से कम 2-4 बच्चे भी अगर गुटखा खाना छोड़ देंगे तो देश का भविष्य जो है ना वो 2-4 बच्चे सुधारेंगे। पूरा नहीं सुधरेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा सुधरेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग योगी जी के रैली में जा रहे हैं। योगी जो है गुटखा खाते हैं? नहीं। तो फिर आप लोग क्यों खाते हैं? मन कर दिया। थोड़ा बहुत सीखा कीजिए उन लोगों से। सही है कि नहीं है? नहीं, सही है। सही है ना?
सीखने का प्रयास कीजिएगा ना। हाँ अभी से करेंगे। छोड़ दीजिएगा ना। हाँ। और आपके वीडियो को आपके पिताजी और आपके परिवार वाले और आपके दोस्त देखेंगे, याद रखिएगा। और अगर आप नहीं छोड़िएगा तो वो आपको फिर सबक सिखाएंगे। ठीक है। एक बार हमारे बनारस में भी सर आप आइए, आप बनारस के इंजीनियर को आप रेलिए। बनारस के इंजीनियर को रेलने की क्या जरूरत है, बनारस के तो मोदी जी हैं। तो देखिए जहाँ का मोदी जी को भी रेलिए, अगर उनका काम गलत है तो उनको भी रेलिए। आपका काम है रेलना जी सर। जितने लेकिन आप भाजपा के रैली में आए हैं और आप मुझे बनारस बुला रहे हैं, मैं मान सकता हूँ कि ये आदमी जो है ना वो न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल नहीं होता तो सर मोदी जी का काम देखे तब उनके पीछे, आप अगर वो गलत है तो वो गलत है। मोदी जी के पीछे हैं फिर भी बनारस बुला रहे हैं मुझे, और इसलिए बुला रहे हैं कि बनारस के भ्रष्ट इंजीनियरों का मैं रिलाई कर सकूं। बस सर यही हम चाहते कि आप रेलिए उनको, पता चले उनको कि कहां उनकी कमी है, कहां मनीष कश्यप उनको खोज रहे हैं। जी सर। अच्छा क्या क्या कमी करते हैं लोग, वो लोग बनारस में इंजीनियर? सर ये आप बताएंगे ना सर, हमको तो हर जगह कमी दिखता है, आके आप रेलेंगे तब ना पता चलेगा उनको कहां कहां मेरी कमी है। मनीष कश्यप जिंदाबाद। अरे अरे हम पत्रकार हैं, नेता नहीं है। चलिए ठीक है, और हम बनारस आएंगे और बनारस में हम निष्पक्ष तरीके से खड़े होके जहां भी इंजीनियर लोग गलत कर रहे हैं, 70% लोगों को आज भी अपने गलियों में जाने में परेशानी होती है, हालांकि बनारस में विकास का कार्य भी हुआ है और हम निष्पक्ष हैं, इसलिए दोनों बातें बता रहे हैं। तो जो अच्छा काम हुआ है उसे भी हम दिखाएंगे और जो गलत काम हुआ है उसे भी दिखाएंगे। और हम सरकारों के खिलाफ नहीं है, हम अपने देश के साथ हैं, और देश के लोगों के साथ कहीं भी गलत होगा हम आवाज उठाएंगे, और भ्रष्ट लोग जहां भी दिखेंगे हम उन्हें रेलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला के ये भारत पेट्रोलियम के पंप से भाजपा के समर्थकों के साथ कुछ चीजों को दिखाते हुए सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद जय भारत। चलिए।